हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। सुबह के 8 बज चुके हैं और आज संडे है तो बिल्कुल भी कुछ करने के मूड में नहीं हूँ। बट बहुत तेज बारिश हो रही है तो कुछ गर्मा गर्म तो पीने का मन करेगा ही। तो चलो बनाते हैं आज ब्लैक कॉफी, ताकि हमारी कहने के लिए मन को भी तसल्ली मिल जाए कि बॉडी डिटॉक्स हो रहा है। तो चलो बनाते हैं ब्लैक कॉफी। जिसको जिसको नहीं आता है वो भी देख लो, बहुत ही सिंपल है और सच पूछो तो आई फील दूध वाली कॉफी से ज्यादा टेस्टी ब्लैक कॉफी होता है। तो एक बार बस आप लोग ट्राई करना और देखना कि ब्लैक कॉफी कैसी लगती है, और मुझे जरूर बताना कि आप लोग को कैसी लगी। कॉफी बनाने के लिए बस आपको 1 कप पानी लेना है, जैसे कि मैंने लिया है, और आप किसी में भी बना सकते हो। मैंने जिसमें छौंके लगाते हैं उसमें बनाया है। तो इस तरीके से आपको गैस ऑन कर लेना है और हाई फ्लेम पे और रख देना है पानी। फिर जब थोड़ी देर ऐसे ही रहने देना है, उसके बाद आप देखो पानी में हल्की हल्की सी उबाल आने लगेगी। अभी आ नहीं रही है, जब हल्की हल्की सी उबाल आएगी तो आपको बस 1 चम्मच, मुझे 1 चम्मच कॉफ़ी पसंद है 1 कप में, तो आप जितनी भी आपको पसंद हो हार्ड सॉफ्ट थोड़ी सी उस तरीके से तो दे देना है, उसको मिक्स कर देना है। उसके बाद फ्लेम को लो कर देना है। कितना सुंदर सा टेक्सचर लग रहा है ना। तो बस देखो अभी जैसे खोलेगी थोड़े, मतलब आपके ऊपर है कितना देर आप रखना चाहते हो। जनरली मेरे से ख्याल से आपको 20 सेकेंड रखनी चाहिए, 20-30 सेकेंड रखो काफ़ी है। और उसके बाद आप बस उसको ऐसे ही उठाते रहो, नहीं तो अगर कंटिन्यू रखे रहोगे तो गिर जाएगी उबाल आने से, इसीलिए बीच बीच में ऐसे उठा लिया करो कि वो गिरे नहीं गैस के ऊपर, नहीं तो क्लीन करना कितना मुश्किल काम है पता ही है गैस पे अगर कुछ गिर जाए तो। तो बस मेरी कॉफ़ी बनके तैयार हो रही है और बस बनने ही वाली है, तो इन्जॉय करते हैं गर्मा गर्म कॉफ़ी बारिश के मौसम में। आप लोग भी बनाओ और पियो और बताओ कि कैसा लगा आप लोगों को भी बिना दूध वाली कॉफ़ी। बन लग देखो बन गई मेरी कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी मग में भर लेती हूँ उसको, बस हो गया। अब जा रही हूँ मैं गर्मा गर्म कॉफ़ी पीऊँगी और संडे मस्त कुछ लगा करके इंजॉय करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।